तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखने की कोशिश करोगे तो देखो, बेसिकली अगर तुम देखोगे, ए स्टोन टाई टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल दैट इज विल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। ठीक है ना, मतलब एक स्टोन को यहाँ से मैं रसरी से स्ट्रिंग से बांध दिया हूँ, और स्ट्रिंग से बांधने के बाद वो जो है स्टोन, दिस स्टोन इज मूविंग इन ए सर्कुलर आर्क समथिंग लाइक दिस, दिस इज द आर्क। तो ये यहाँ पर अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो कहता है एट द सर्टेन स्टोन इज द लोएस्ट पॉइंट इट हैज स्पीड यू। तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पे है तो उसकी स्पीड यू है, और जब स्पीड यू है तो वेलोसिटी यहाँ पॉइंट ए बोल देता हूँ, पॉइंट ए पर वेलोसिटी ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल, और इसका मैग्नीट्यूड यू है यहाँ पे। ठीक है ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एट ए रीच द पोजिशन वेयर स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल। देखो ऐसे ऐसे आगे जाएगा तो स्ट्रिंग हॉरिजेंटल कब होगी, तो अगर देखोगे स्ट्रिंग हॉरिजेंटल तब होगी जब ये स्टोन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, वर्टिकल होगी। जब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल होगा तो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल होगी, और जब स्ट्रिंग वर्टिकल था तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल थी। तो ये कहता है हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इन दोनों पॉइंट ए और बी के पॉइंट के चेंज इन वेलोसिटी निकालना। तो चेंज इन वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, आ रहा समझ में? तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, बी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस यहाँ से टू टाइम्स बी ए बी बी, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक ना, ये वाली चीज बात समझ में आई कुछ? तो अगर तुम देखोगे तो बी ए तो ऐसे है, ठीक है ना, बी ए ऐसे है, और जो बी बी है इससे 90 डिग्री पे है, बी बी ऐसे है। तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो एंगल है थीटा वो आ गया 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री आ गया बच्चों, तो यहाँ पर तुम देखोगे जैसे ही थीटा तुम्हारे पास 90 चला गया, वैसे ही जो चेंज इन वेलोसिटी का मॉड है वो आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें ये वाला यहाँ से मिल गया। तो अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल गया, अब तुम्हें टारगेट है बी ए की वैल्यू तुम्हें पता है यू स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर अंडर रूट। तो फाइनली अब हमारा टारगेट है बी बी निकालना। चलो बी बी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दो कहाँ पर, ए और बी पे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए और बी पे कंजर्व कराओगे तो ए पर जो है यहाँ ए रिफरेंस लाइन है, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्ट्रिंग की लेंथ एल था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी बी स्क्वायर, जो कि यहाँ से हमें बी बी चाहिए। तो बी बी की वैल्यू कितना है, एम नियम को काट दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एल और प्लस यहाँ से बी बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी बी का जो होल स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी बी की वैल्यू आएगी वो ये वाली मिल तो गया इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू। तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी का मॉड जो आएगा, पेन बदल लेता हूँ थोड़ा आपको फील आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का जो मॉड बदल लूँगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू जी एल ये वाला अंडर रूट। तो आप यहाँ से देखोगे यू स्क्वायर मतलब टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल अंडर रूट ये वाला। तो कुल मिला के यहाँ से यही अपना सोलूसन होगा, और अगर यहाँ से टू कॉमन ले लेते हो तो यू स्क्वायर माइनस जी एल अंडर रूट बच जाएगा ये वाली। तो देखो यहाँ से कौन सा सोलूसन होता, मतलब अपना डी ऑप्शन सही सही मैच कर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।